बिहार में आप देख रहे होंगे किस तरह से राजनीति हो रहा है। एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी बड़ी धूमधाम से अपने प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं दिलीप जायसवाल, उनका खूब धूमधाम से स्वागत कर रहा है। वो दिल्ली से आए हैं तो उनका स्वागत हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछाया गया है। ये ग्रीन कारपेट इसलिए बिछाया गया क्योंकि आवाज़ दबाने के लिए कहा जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा जा रहा है कि सुनील सिंह सदन में आवाज़ उठा रहे थे, इसी को लेकर के उनको बर्खास्त कर दिए हैं नीतीश कुमार। ये लोकतंत्र की हत्या है। इन्हीं सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तरैया से आए हैं। वकील जी, आप ज़रा हमें बताइए, कारपेट बिछा करके कोई आदमी का सदस्यता जा रहा है, आप लोग माला पहना रहे हैं, ये तो खुशी मनाना हो गया? ऐसा बात नहीं है। मान लीजिए पार्टी का कार्य है तो हम लोगों को अच्छे से सबको आए हुए जो भी व्यक्ति है उसको अच्छी से सम्मान देना, उसको व्यवहार देना मेरा ही तो प्राथमिकता है ना। ठीक है, लेकिन हमें ज़रा बताइए कि आज के समय में बिहार में इतना सारा क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, तरैया हो या बिहार का कोई भी जगह आप ले लीजिए, कोई भी अनुमंडल ले लीजिए, हर जगह लूट हत्या बलात्कार हो रहा है, नीतीश कुमार इस पर फेल नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो अभी स्थिति छपरा या तरैया से लेकर या पूरे बिहार की स्थिति जो है, क्राइम बहुत ग्राफ बढ़ा हुआ है, इस पर सरकार इस पर एकदम आँख बंद कर बैठी हुई है, उसको इस बात पर ध्यान नहीं है। वो कहते हैं सुशासन की सरकार है, वो तो कहेंगे ही ना, क्योंकि जो सत्ता में रहेगा वो कहेगा कि मेरा, लोग कहते हैं कि कोई भी अपना चीज को कोई खट्टा कहता है, नहीं कहेगा अपना उस, कोई खट्टा बिल्कुल उसी तरह है। जादव जी हैं तो जादव जी वाला लाइनिया बोलिए ना। सही बात है, सही बात है। कहा गया है कि दही किसी का खट्टा नहीं होता है, जिसका है वो तो अपना कहेगा मीठा ही है मेरा है, लेकिन जो खाता है, जो चखता है उसको पता है ना। उसी तरह बिहार को जो जनता है उसको पता है कि कितनी परेशानी है, कितनी ग्राफ बढ़ा हुआ है, कितना लोग शोषित हो रहा है, ये तो अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार सदन में पाँचवें दिन थे, तेजस्वी यादव पटना रहते हुए सदन में नहीं गए, मानसून सत्र के पाँचवें दिन तेजस्वी यादव सदन में नहीं गए, क्या अब बात बन गया है क्या कि नीतीश कुमार फिर से इधर आने वाले हैं? क्योंकि नीति आयोग के बैठक में ना नीतीश जी जाते हैं और ना तेजस्वी यादव सदन में जाते हैं, दोनों आदमी आपस में बात चल रहा है क्या फिर से? अब इसके विशेष जानकारी ऊपर की बात है, हम नहीं बता सकते हैं इसके लिए, हम विशेष जानकारी नहीं है, ज़्यादा नहीं बताइए नहीं इसके बारे में। 2025 के विधानसभा में क्या होगा, क्या लग रहा है कि इस बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा सीट नहीं आएगा, खूब ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 40-50 सीट आएगा? देखिए लोगों का कहना कोई बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि राजद की जो जिस नीति पर काम करती है, चाहे जो कर रही है, अब जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं पढ़े लिखे इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले इस बिहार के लिए तेजस्वी जी की जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की ज़रूरत है। और अभी देखने में लग रहा है कि जितने भी अभी संस्था चाहे जो भी बिहार सरकार के द्वारा किया गया है अभी प्रेजेंट में, देखिए हर केंद्र की सबसे बड़ी तो देखते हैं कि आपके नीट का एग्जाम जो हुआ इसमें देखिए क्या हुआ, कभी भी शिक्षा को एकदम सुरक्षित रखा जाता था, लोग उसमें बार्गेनिंग करके पैसे वाले उसमें डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, आम आदमी जो है वो गरीब परिवार नहीं बन सकता है। इसमें सबसे बड़ी कमी तो यही है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार दोनों इस चीज़ को अनदेखा करिए, लोगों को एकदम आँख में धूल झोंक रही है, उसको ढक दे रही है, जिससे आप मत सोचिए। लेकिन यह सही बात है कि अभी हमारे बिहार की या किसी भी पूरी देश को युवा या जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, सब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए नौकरी की सबसे पहली ज़रूरत है। अगर नहीं होती है ना तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग 5 साल के बाद भूखे मरेंगे और रोड पर रहेंगे। पकड़ दीजिएगा। अच्छा और भी यहाँ लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं, क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं? मैं बैकुंठपुर गोपालगंज से हूँ। बैकुंठपुर गोपालगंज से, क्या नाम है? मेरा नाम है विजय बहादुर यादव। विजय बहादुर जी, हमें ज़रा बताइए कि एक सवाल हम ले लेते हैं, लालू प्रसाद यादव गोपालगंज से ही आते हैं, वहाँ से चल करके यहाँ तक का सफ़र उन्होंने तय किया, आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ ज़्यादा गलती किया है कि एक टाइप की मीडिया, खास तौर पे एक मीडिया ने हमेशा से परसेप्शन बनाया कि लालू यादव ये है, लालू यादव के राज में जंगल राज था, 2005 से पहले 5 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था, क्या ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई है? देखिए जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन। तो लालू यादव हमेशा सामंतवादी, तनसाह, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक के हत्यारों को करारा जवाब दिया है। उस सामंतवादी सोच को पैरों तले रौंदने का काम किया है, जिसका परिणाम स्वरूप एक गोपालगंज से, एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले लालू प्रसाद यादव देश नहीं पूरी दुनिया में सुविख्यात होकर अपना एक सोच, एक अपना विचार, एक नीति, एक धारा बनाया, जिस पर हजारों हजार नहीं लाखों करोड़ लोग उनके बनाए हुए विचारों पर, उनके बताए हुए राहों पर और उनके चले हुए नीतियों पर
लोग चल रहे हैं। नहीं तो विरोध का है होता है, हमको जरा बताइए लालू यादव के राज को क्यों जंगल राज कहा जाता है जी, क्यों जंगल राज कहा जाता है? जंगल राज परिभाषित करने वाले जो लोग हैं उनका राज खत्म होगा, और जैसे जैसे गरीब दलित पिछड़ा अंतिम पैदान पर बैठने वाले लोग जो अपने विकास की राह को देख रहे थे, जब वो प्रथम पैदान पर लालू यादव के नीतियों पर चलकर आगे आने लगे, तब तब उन लोगों को बदनाम किया गया कि ये जंगल राज है, इनका ये राज जंगल जंगल में रहने वाले लोग, गरीब गुरबा जो लकड़ी काटने वाले जो लोग हैं, जो चमड़ा सिलने वाले जो लोग हैं, जो दूध दूहने वाले जो लोग हैं, जो जंगलों में रहकर अपना जीवन बसर करते थे, वो शहरों की तरफ रुख करने लगे, देश के विकास के बारे में चर्चा करने लगे, इसलिए समानतावादी सोच रखने वाले लोगों ने उसको जंगल राज का नाम दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे, जो पिछड़े थे, जो अंतिम पायदान में खड़े थे, उन लोगों को मेन धारा से जोड़ने का काम किया, इसलिए लोग इनको जंगल जंगल से आए हुए लोग हैं जो देश के विकास के बारे में सोच रखते हैं, देश के अंतिम पायदान पर बैठने वाले लोगों के विकास के बारे में सोच रखते हैं। तो समानतावादियों के पेट में निश्चित रूप से दर्द होना है कि चूंकि जिस प्रकार से आप देखें हैं कि जातीय जनगणना हुआ पूरे बिहार में, और जातीय गणना के बाद जो आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों को देखकर वाजिब है कि उन वो जो लोग हैं जो अब तक इस देश पर राज करते आए हैं, उनको लगा कि नहीं अब देश का आँख खुल जाएगा और गरीब दलित पिछड़ा जो है वो जग जाएगा, इसलिए दर्द होना लाजमी है। लालू यादव को कुछ ना कुछ बोलकर अपनी राजनीति को चमकाना लोगों का काम है। साया भी गया कहता है लोग, एक धारा कहता है कि लालू यादव चारा चोरी किए, दूसरा धारा कहता है कि नहीं चारा चोरी नहीं किए। आप तो इस देश की न्यायिक व्यवस्था के बारे में आप देखेंगे तो जिन धाराओं में लालू यादव के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जेल में रोका गया, उन्हीं धाराओं में कई नेताओं को बाइज्जत बड़ी भी की गई, लेकिन उस पर न्यायिक व्यवस्था का जो चुप्पी है, इस देश ने चुप्पी रख लिया कि चलो एक पिछड़ा का नेता, एक दलित का नेता जो है वो जेल के काल कोठरी में अपने दम को तोड़ दे, इस सोच के साथ ये सरकार या केंद्र की सरकार और राज्य में जो सरकार चल रही है, दोनों सरकारों ने मिलकर ये सोच रखा कि किसी भी तरीके से लालू यादव को, पिछड़ों की आवाज़ों को बंद कर दिया जाए, लेकिन अब ये संभव नहीं है। उनका लाल तेजस्वी जन्म ले चुके हैं, बिहार के कमान को संभालने के लिए तैयार है, बिहार के युवा के, बिहार के बुजुर्गों को, तमाम लोगों को यह जानकारी हो चुकी है कि तेजस्वी यादव जो है इस बिहार के भाग दौड़ को जब संभालेंगे तो इस नए बिहार में शिक्षा होगा, रोजगार होगा, स्वास्थ्य होगा, सड़क होगा, नाला होगा, नहर होगा, किसानों की समस्याओं का हल होगा, तमाम सवालों का जवाब एकमात्र तेजस्वी बच गया है। चलिए, क्या नाम बताएं? अजय राय। अजय राय बातें बता रहे थे कि दो चीज़ें हमने आपको पहले बताया था शुरुआती में जब इंट्रो दे रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में सम्मान समारोह किया जा रहा है सुनील सिंह का, जो एमएलसी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें एमएलसी के पद से हटा दिया गया है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता साथ में है, ये कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर में भी बहुत धूमधाम से पूरे पटना को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह, और पूरे पोस्टर से भर दिया गया, क्योंकि दिलीप जायसवाल को वहाँ पर बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर के वहां पे भी खूब ज्यादा सजावट हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।